तो गाइस अगर आप भी कोई वायरलेस चार्जर की तलाश में है तो ये है रेगर की तरफ से आने वाला ERC 400, जो कि 15 वॉट का देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा, QI सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी डिवाइस में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगी, क्योंकि QI सर्टिफाइड जो है कंपनी द्वारा जो है इसको सर्टिफाइड किया जाता है, उसके बाद ही इसको मार्केट में निकाला जाता है। वैसे वाला चार्जर आपको बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलता है। साथ ही इसमें 1 ईयर की जो है वारंटी आती है। अगर आपके चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी दिक्कत आती है, तो 1 ईयर में आप जो है वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी वाले आपको रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग या रिफंड जो है वो दे देंगे। बहुत ईजी तरीके से जो है इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। तो करते हैं बॉक्स को ओपन, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं बॉक्स के अंदर हमारा जो है मिडनाइट ब्लू कलर का जो हमने चार्जर मंगाया था वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं पोलोथीन के अंदर यहाँ पे पैक है। उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता बॉक्स के अंदर। एक आपको साइड में जो देख पा रहे हैं डाटा केबल देखने को मिलती है, और साथ ही एक इसमें जो है मैनुअल गाइड जो कि चार्जर के बारे में बताया हुआ है, मॉडल नंबर के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। दो ही चीज़ हमें मिलती है यहाँ पे, कोई भी हमारा एडोप्टर नहीं मिलता, क्योंकि एडोप्टर के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट जो है देना पड़ता है 400 से 500। तो हमारा चार्जर है, हम इसको जो है पोलोथीन से निकाल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग्स और ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं जो रेगर की ब्रांडिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रही है। बट जो इसका कलर है मिडनाइट ब्लू, ये मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है, क्योंकि इस तरह का कलर मुझे थोड़ा ओल्ड टाइप का लग रहा है। तो बाकी ऑल ओवर जो है फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। साथ ही यहाँ पे डाटा केबल की बात करें तो सी टाइप की USB डाटा केबल आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आप इसको चार्जर में लगा के एडोप्टर में लगा के जो है चार्ज कर सकते हैं अपनी डिवाइस को वायरलेस में। साइज की बात करें तो यहाँ पे 100mm x 8mm का साइज देखने को मिलता है, और जो इसकी इनपुट है वो 5B है और आउटपुट जो है 15 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलती है। साथ ही ये वाली जो चार्जर है वो सभी मोबाइलों के साथ कंफर्टेबल है, जितने भी मोबाइल वायरलेस चार्जिंग होते हैं, जैसे कि आईफोन हुआ, सैमसंग हुआ, जितने भी अदर ब्रांड भी होते हैं, तो सभी के लिए कंफर्टेबल डिवाइस, सभी मोबाइल को जो है चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि QI सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलने की इन फ्यूचर में। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको कुछ रफ टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नीचे की तरफ भी आपको जो है दो ग्रिप देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो हमारा चार्जर है वो कहीं से रपटे नहीं, कहीं से गिरे नहीं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि हमारे मोबाइल की जो है पूरी तरह से सेफ्टी रहे। और गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस प्राइस रेंज में। और गाइस प्राइस की बात करें अब फाइनली, तो मैंने इसको 600 रुपये से जो है अमेजोन से बाय किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैंने 600 रुपये का इसलिए बाय किया है क्योंकि मुझे 100 या 150 रुपये मुझे कम पड़ गया, क्योंकि ऑफर के साथ मैंने इसको लिया है। बट इसका रेगुलर प्राइस जो है 700 से 800 रहता है, तो ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो बिल्ड क्वालिटी और चार्जिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको सीट टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है, और गाइस साइड में आपको इसमें एक LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपनी डिवाइस का पता लगा सकते हैं कि चार्जिंग हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो गाइस इस प्राइस में मुझे काफ़ी बढ़िया चार्जर लगा, जो कि अदर ब्रांड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया है, और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, जो कि अदर कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दे रही, जो कि काफ़ी सारे चाइना के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप अपनी डिवाइस के लिए इसे ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल है सभी डिवाइस के लिए, आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे कोई अदर ब्रांड हो। तो ये सारी चीज़ें में बिल्कुल कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी जो है शिकायत नहीं आने वाली। ऐसे यहाँ पे मैंने अपने iPhone XR को जो है इस वाले चार्जर से जो है चार्ज किया था, जो कि 0 से 100 करने में जो है यहाँ पे पूरे 5 घंटे पूरे ले गया। तो आपको जो थोड़ी जो चार्जिंग यहाँ पे स्लो देखने को मिल सकती है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग हमेशा थोड़ा स्लो ही होती है, क्योंकि एक वायरलेस जो है यहाँ पे कोयल्स द्वारा होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है। आप भी कोई वायरलेस चार्जर ढूंढ रहे तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी आपको देखने को मिलता है बहुत ही कम प्राइस में, 600 से 700 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिलता है, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सीधा अमेजोन से बाय कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते